और दीपक सर की वीडियोस में प्रिवेसी उसके क्वेश्चंस। इतनी फैकल्टी ढूंढ ली, अब तो एग्जाम क्लियर होगा ना। आई डोंट नो। आप सिर्फ सही प्रेप कीजिए और एक्सपर्ट फैकल्टी को आप तक लाने के लिए क्रिएटिव है ना। क्रिएटिव के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। डाउनलोड नाउ। Yes, guys. Hello, everyone. Hello. Yes, good afternoon. Good afternoon. Just give me a while, guys. Okay. Good afternoon. नहीं बेटा, कोई भी आवाज का प्रॉब्लम नहीं है. Everything is all set. कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, बच्चा लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने सब कुछ चेक करवा लिया भाई. कोई प्रॉब्लम नहीं है. Everything is all good. All good. आ गई आवाज. ओके, यस बच्चा लोग, हाउ आर यू ऑल? जल्दी से बताओ क्या हालचाल है. अ प्रिटी मॉर्निंग टू यू. ओके ओके भाई, पता है ना आज क्या है? पता है कि नहीं है आज क्या है, ये बताओ तुम तो पहले. पता है आज क्या है? गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून बच्चा लोग, एक नंबर है सब कुछ. फाइन 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 गाइस, यस क्विकली आई विल शेयर द कोड विथ यू. फर्स्टली एक काम करना है भाई, जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कहीं पर आप स्किप ना कर दें, कहीं पर मिस ना हो जाए. फाइन ओके, तब तक मैं छोटी सी प्रॉब्लम को दूर कर देती हूँ. फाइन, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट. बच्चा लोग बस एक मिनट दे दीजिए प्लीज. यस एवरीवन, टेल मी क्या हालचाल है. यस ऑल वेल, ऑल वेल. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. कोड मैं भी आपको बता देती हूँ जल्द ही. जल्द ही मैं कोड बता देती हूँ. जस्ट होल्ड ऑन गाइस, होल्ड ऑन, जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ तो पहले तो थोड़ा सा एक जनरल डिस्कशन हो जाए भाई. जो जनरल डिस्कशन ये बोलता है कि यस बेटा, आज हमारा मेघा मेंटे क्विज है. कोड अभी मैं बता देती हूँ आपको. यस रीजन ऑफ कोर्स, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. मैं बिल्कुल बता दूंगी आपको. यस यस यस, पूरा 1.5 आवर्स अपना ही होगा. एग्जैक्टली भाई. पहले तो मुझे आज बहुत सारे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो जल्दी से सेशन को लाइक करिए बेटा, शेयर करिए सेशन को, सो दैट जितनी ज्यादा जनता होगी उतना ज्यादा मजा आएगा भाई. कंपटीशन तो बनता है यार, कंपटीशन तो बनता है. फाइन, सो गाइज, आई जस्ट वेलकम यू ऑल ऑन ग्रेड अप नीट प्रिपेरेशन. आई होप भाई सब लोगों को पता है कि क्या चल रहा है इन दिनों. आपके पास एक छोटा सा सरप्राइज है, आई टेल यू, जस्ट होल्ड ऑन. फाइन ओके, यस एवरीवन, नाउ बेटा एवरीथिंग इज विजिबल. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कोड इज देयर भाई. फटाफट से ज्वाइन करना है, www.menti.com पे जाना है एंड यूज करना है कोड 6597 2096. फाइन, ऐसा आ गया पीयूष, ऐसा आ गया. ओके ओके, चलिए, नो वरीज, नो वरीज. हेलो हेलो भाई बच्चा लोग, यस मृत्युंजय, कौशिक रेडी, तन्नू जी, हेलो हेलो भाई. फटाफट से जाइए menti.com पे एंड यूज करिए कोड 6597 2096. द कोड इज देयर 6597 2096.
आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिखाई देगा कोड, क्या करना है, जल्दी से जाना है भाई। इतनी सी जनता के साथ मैं बिल्कुल मेंटी नहीं करने वाली हूँ भाई। मेगा मेंटी क्विज, आई मीन मेगा मेंटी क्विज है तो मजा तो आना चाहिए ना। इतनी सी जनता के साथ भाई एटलीस्ट सेंचुरी आई वॉज एक्सपेक्टिंग सेंचुरी, और यहाँ पर कहा भाई हाफ सेंचुरी भी नहीं हुई है। तो ऐसा मजा नहीं आएगा भाई, ऐसा मजा नहीं आने वाला बिल्कुल भी। यस गाइस, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, आई वेलकम ऑल ऑफ यू भाई, गुड आफ्टरनून, हेलो हेलो। यशस्विनी कैसे हैं आप, ऑल वेल भाई? सभी लोग जू वाले सभी लोग आ गए हैं, ये देखो हमारे पास चिड़िया है, हमारे पास छोटे छोटे इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर, इतने छोटे छोटे एनिमल्स भी हैं। यस प्लीज जल्दी से ज्वाइन कर लो बेटा, फटाफट देर किए बिना ज्वाइन कर लो, एंड फटाफट से भाई सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करिए फटाफट से, ताकि भाई जो भी नई नई इन्फॉर्मेशन आए। कार्तिक आर्यन जी आज जुड़े हैं हमारे साथ, ये तो आपको पता होगा ना, फाइन तो इतना तो बनता है। यस माइंड हैव सो शॉ, ओके लक्ष्य, आई हैव गॉट योर मैसेज ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, आई एम सो सॉरी बेटा मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज अ बिट ऑक्यूपाइड। जल्द ही मैं आपको टेलीग्राम पर रिप्लाई करूंगी, आई प्रॉमिस पक्का। फाइन आपने ज्वाइन कर लिया है छवि, दैट साउंड गुड भाई। अभी तक सेंचुरी नहीं, तब तक सेंचुरी नहीं होगी तब तक मैं मेंटी बिल्कुल चालू नहीं करने वाली हूँ, ठीक है मैम? ऐसा थोड़ी होता है, ये तो मुझे बोलना ही नहीं है। डन डना डन डन, शाबाश, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। यस आप भी हैं रितिका, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। यस सुजीत गुड आफ्टरनून, जल्दी से ज्वाइन करना है बेटा। क्या करना है, menti.com पे जाना है और mentimeter पे चले जाइए डायरेक्टली, एंड जस्ट यूज द कोड दैट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो 6597-2096 भाई। अभी तो हाफ सेंचुरी भी, अब जस्ट हाफ सेंचुरी हुई है, ऐसा मजा नहीं आएगा भाई। आपने ज्वाइन नहीं किया है, अरे बहुत बहुत गलत बात है प्रकाश, ये तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। यस नीरू गुजर, हेलो बेटा। रविकांत ज्वाइंट ज्वाइंट, ओके। अरे कोई बात नहीं रितिका, द क्वेश्चंस आर वेरी इजी बेटा, द क्वेश्चंस आर सीरियसली वेरी इजी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एरोप्लेन है, ओके ओके, जॉइंट जॉइंट जॉइंट, ओके डन भाई। क्या इतने से लोगों में थोड़ी मेंटी होता है भाई, जल्दी से लाइक करिए सेशन को, सब्सक्राइब करिए, ऐसे मैं बिल्कुल चालू नहीं करने वाली हूँ, और मुझे ऐसा कोई नहीं बोलने वाला कि मैम ये गलत बात है। डन, ओके ओके, ऑल सेट, चालू कर दें क्या? यस नीरू बेटा, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ menti.com पे जाना है, mentimeter पे जा सकते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ कोड यूज करना है एंड एवरीथिंग वुड बी डिस्प्लेड ऑन योर फोन, आपकी सेलफोन पे आपको सारी चीजें स्क्रीन पे दिखाई देगी, सो डोंट वरी फॉर दैट, फाइन। चलिए बढ़ते हैं आगे, चालू करें क्या? ऑल द बेस्ट गाइज, फाइन ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए चालू करते हैं भाई मजेदार आज का क्विज, सेल्बायोलॉजी का क्विज है, पता है ना आप लोगों को, फाइन। यस प्लीज चलिए चालू करते हैं, हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन, and guys all the best, answer fast to get more points, since item condition in a plant cell can arise due to failure of, okay okay yes aisha yeah beta answer dena hai padha padte bina der kiye, jaldi se answer dena hai, acha acha ma'am ek minute beta, ek minute to timer bhi nahi hai apna, बताया था मैंने सिंस आइटम कंडीशन क्या होता है, बताया था ना? यस yes, बिल्कुल बताया था। एंड गाइस बेटा टाइम नहीं अपने पास, सिंस आइटम कंडीशन क्या होती है, काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, आई गेस फाइन, काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया, दैट साउंड गुड दैट साउंड गुड भाई, फिर भी कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दिया, फाइन ओके। शायद तुक्का नहीं होता बेटा, शायद तुक्का नहीं है, इट इज द करेक्ट आंसर, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाएगी ना भाई, बिकॉज साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, कह रहे हो काइनेसिस किसने करा दिया भाई, गंदी बात है ये, फाइन ओके। चलिए नो प्रॉब्लम पीयूष, लेट्स सी इस बार क्या रहे, आपका कौन सा रैंक आता है, लेट्स सी द लीडर बोर्ड, क्या बोलता है लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड कहाँ हो आप, वेरी गुड शाबाश, हाँ तो लीडर बोर्ड जी क्या बोल रहे हैं आप, लीडरबोर्ड, यस प्लीज, वेरी गुड पीयूष वॉज द फर्स्ट वन, यस अंकिता, देव खत्री, यस जगदीश, डॉक्टर दीर्घ एंड डॉक्टर गोलू, दो लोग खेल रहे हो क्या एक साथ, यस रमेश, रविकांत, तान्या, मानसी, अक्षिशा, बस बेटा ऑल गुड वेरी गुड प्लेइंग, फेयर इनफ, अच्छा था, अच्छा क्वेश्चन भी था, माइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था भाई, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले क्या, ओके पिछली बार सेवेंथ आया था तो इस बार फर्स्ट आने की कोशिश करेंगे, फाइन चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. लुक एट योर फोन गाइज, लुक एट योर फोन. इट्स ओके आप, इट्स ओके. ट्राई फॉर दिस वन, ट्राई फॉर दिस वन. भाई दैनिश खान जी, menti.com पे जाना है बेटा. www.menti.com पे जाइए एंड जस्ट यूज द कोड. कोड है 6597-2096. अरे वाह, बड़ी जल्दी आंसर दे दिया तुम लोगों ने. वेरी गुड, ये हुई ना बात. वेरी नाइस, ओके. यस, अरे बच्चा यहाँ हेमंत, यहाँ आंसर नहीं देना है बेटा, यहाँ पर menti.com पे खेलना है. फाइन, क्यों? क्योंकि आपका नाम भी तो जाइव जाना चाहिए ना. फाइन, ओके. सो व्हाट वाज द स्टेटमेंट? क्रोमोसोम कंटेंट बिकम्स डबल आफ्टर सिंथेटिक फेस. ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है बच्चा लोग. इन क्रोमोसोम देयर आर टू सेंट्रोमियर एंड वन काइनेटोकोर. ऐसा होता है क्या? फाइन, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. दोनों ही कंडीशन में क्रोमोसोम नंबर, अरे बाबा कैसे गलती किया. ओके, कैसे गलती किया? दोनों स्टेटमेंट को बहुत से लोगों ने सही बता दिया. फाइन, और पहले स्टेटमेंट को कैसे सही बताया बेटा, कैसे सही बताया? फाइन, इट इज इनकरेक्ट. लेट्स सी द लीडर बोर्ड. ये भाई मजेदार क्वेश्चन था. फाइन, ओके. एग्जैक्टली 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 जगदीश, ट्रू. वेरी गुड, यू गॉट इट करेक्ट. ओके, चलिए देखते हैं भाई कितने लोगों को समझ में आया कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है बेटा. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इज आस्क्ड. यस, गॉट इट जगदीश, बिल्कुल समझ गई मैं. यस प्लीज, ओके. देव खत्री जी, छा गए आप तो यहाँ पर. वेरी गुड, यस जगदीश. डॉक्टर गोलू, जशान, रमेश, हेमंत, छवि. छवि नाइस, वेरी गुड. अरे भाई पीयूष जी, एक क्वेश्चन में नीचे पहुंच गया. दिस इज रॉन्ग यार, दिस इज रॉन्ग. मजा नहीं आया इसमें. चलिए, नो वरीज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. यस अंकिता, रविकांत. रविकांत जी, वो ही हमारे पुराने बच्चे हैं क्या जो हर रोज आते हैं? रेगुलर बच्चा है. यस आयत, मोस्ट वेलकम. जल्दी से menti.com पे जाओ यार, तुम लोग मुझे इतने कम बच्चों के साथ मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा. फाइन, जल्दी से फटाफट से menti.com पे जाइए. जिसने ज्वाइन नहीं किया है बेटा, अभी तो हमने सिर्फ दो क्वेश्चन देखा है, अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं. तो बिल्कुल देर किए बिना जाइए menti.com पे एंड यूज करिए कोड 6597-2096. दैट इज देयर इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. जस्ट गो फॉर इट गाइज, गो फॉर इट. नेक्स्ट क्वेश्चन ले आए क्या फटाफट से? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. अभी 30 क्वेश्चन है बच्चे अपने पास. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन गाइस. जस्ट गो टू menti.com एंड यूज द कोड दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फटाफट से ज्वाइन कर लो बिना देर किए. गायत्री, नो वारीज बेटा, नो वारीज. अयत बेटा, कोड इज 6597-2096. ड्यू टू विच फेस? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, थर्ड क्वेश्चन. बेटा अभी तो सिर्फ 10% भी कवर नहीं किया है हमने, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो देर किए बिना. Due to which phase chromosomes number is reduced during meiosis? कौन से phase में ऐसा होता है भाई? कौन से phase में ऐसा होता है जहां पर chromosome number आधा हो जाता है? जो कल मैं ऐसे 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 करके बता रही थी आपको, ऐसे 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 बताया था ना. अब इससे ज्यादा hint नहीं मिलता भाई, इतना ही hint मिलता है. Fine. Yes, भाई ऋतिक जी, आपने join नहीं किया और आप बात कर रहे हो, this is wrong यार. चलो फटाफट से आंसर दे दिया गया. शाबाश, वेरी गुड. टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप. शाबाश, काफी लोगों ने सही आंसर भी दिया है. पीटा आयना फेज वन में, मतलब कहां पहुंचा दिया तुमने मेटाफेज दो में? मेटाफेज टू में वो बेटा माइटोसिस वाला हो गया है तो सेम, तो नंबर और रिड्यूस कैसे होगा? फाइन, आयना फेज टू, मेटाफेज टू, सब कुछ वही है जो आपने माइटोसिस में किया था. रिड्यूस हुआ था क्या? आपके ऐसा हुआ था क्या मियोसिस में? मियोसिस में होता ना, जहां पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो जाता है. फाइन, कहीं भी करवा देते हो यार तुम. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये तो है भाई. आना फेस वन से क्वेश्चन आता है एंड दैट इज फिक्स. लेट्स सी कि भाई कितने लोगों को समझ में आई ये बात, कितने लोगों ने ध्यान से सुनी थी कल की क्लास. भाई देव खत्री थी, पहली बार खेल रहे हैं आप एंड लाइक मतलब फॉर बॉटनी तो भाई मैंने आपको पहली बार देखा एंड यू आर प्लेइंग फेयर इनफ. वेरी गुड, यस. नाम लिया और गायब हो गए ऐसा? ओके. एंड गाइज लिसन, कोई भी मेरी क्लास में मुझे कोई भी सैड स्माइली, लूजर, बैड गर्ल, बैड बॉय ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए. ठीक है, बिल्कुल अच्छा अच्छा स्माइली वाले लोग चाहिए. जल्दी से बता दो फटाफट अपना नाम चेंज कर लो. यस जगदीश, शाबाश बेटा. डॉक्टर टुग्गू, देव खत्री थी, उसमें लिखी है द विनर. फाइन, ओके. यस अक्की, स्ट्रॉबेरी लवर. ओके, यस पीयूष, राजदीप, जशान, रमेश, रमेश पोखरियाल. ओके गाइज गाइज, वेरी गुड. यस हेमंत साई थी, शाबाश. ओके चलिए, फाइन, वेरी नाइस बच्चा लोग. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, फोर्थ क्वेश्चन, जल्दी से देख लो. फाइन,
नहीं 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 पीयूष बेटा, अभी थोड़ी देर बाद चले जाना। फाइन, जल्दी से पहले आंसर दीजिए। यू आर प्लेइंग फेयर नर्व, काफी अच्छा खेल रहे हैं आप। फाइन, ये हुई ना बात। सेंचुरी भैया, सेंचुरी चाहिए आज। तो ताकि तुम लोगों को भी थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए ना कि भाई इतने बच्चों में मैम वी वर द फर्स्ट वन, वी डिड द बेस्ट, तो ऐसा मजा आना चाहिए ना तुम्हारे साथ साथ मुझे भी। फाइन, नंदिनी ज्वाइन कैसे करना बेटा? menti.com पे जाइए, अपने फोन पे लिखिए www.menti.com, ये लिखिए। फाइन, आपसे कोड पूछेंगे, वो कोड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख रहा है। वो कोड डालिए 6597-2096, ये कोड डाल दीजिए फटाफट से। ओके ओके रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। द रोल ऑफ मेटोसिस इज नॉट मियरली टू डिवाइड अ सेल इनटू टू डॉटर सेल्स बट टू इंश्योर जेनेटिक कंटिन्यूटी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। द मैकेनिज्म इंश्योरिंग जेनेटिक कंटिन्यूटी इज। ओहो, सिर्फ कुछ लोगों को समझ में आया कि भाई क्योंकि न्यू सेल्स दे हैव हाफ द नंबर का मॉन। यार मियोसिस की बात कर रहे हो क्या? फाइन, मियोसिस की बात कर रहे हो क्या डायरेक्टली? फाइन, इतने कम लोगों को समझ में आई ये बात। चलो, नो वरीज नो वरीज, इट्स ओके इट्स ओके। फॉर्मेशन ऑफ न्यू दो सेल्स में क्या होता है बेटा? आइडेंटिकल डीएनए पहुंच जाता है। फाइन ओके, सो गड़बड़ कहाँ कर दिए? गड़बड़ कैसे कर दिया? इट्स ओके इट्स ओके, चलो हैपेंस हैपेंस, एक क्वेश्चन को तो मिलता है। फाइन, लेट्स सी कितने लोगों को समझ में आई ये बात। यस निसर्ग, हेलो, जस्ट ज्वाइन इट फास्ट फ्रॉम गॉड्स ओन कंट्री। देव खत्री जी, जल्दी से हटा दीजिए, मैंने आपको अभी रिक्वेस्ट किया बेटा। डू दिस फटाफट से हटाइए, अच्छा नाम लिखना चाहिए, दैट शुड भी आपके न्यूरॉन्स तक अच्छी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। फाइन जगदीश, फेयर इनफ, गुड गुड। देव खत्री, अक्की, डॉक्टर गोलू एंड डॉक्टर दीर्घ। यस सुजीत, तानिया, प्रशस्ति प्रशस्ति, आलू, कैसे नाम रखते हो यार तुम लोग। अगली क्वेश्चन, माई गॉड यार, स्ट्रॉबेरी लवर, चलो गुड, बढ़ते आगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आ जाए भाई। छू मंतर, जादू कलंतर, फिफ्थ क्वेश्चन, जल्दी से आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन। यस गाइस, जस्ट लुक एट योर फोन, लुक एट योर फोन। साइटोकाइनेसिस इज जनरली बट नॉट ऑलवेज सीन इन मिटोसिस। इफ सेल्स अंडरगो मिटोसिस एंड डू नॉट फॉलो साइटोकाइनेसिस देन इट वुड रिजल्ट इन। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं। नहीं आयशा, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूली हूँ, पहले आप आंसर दीजिए फिर अपन बात करते हैं। यस डॉक्टर निखिल, जल्दी से ज्वाइन कर लो बेटा, डिस्क्रिप्शन में एवरीथिंग इज देयर, जस्ट गो टू www.menti.com एंड यूज द कोड दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा फाइन माइटोसिस में तो क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सी चीज है, कम ऑन, इसमें गड़बड़ मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, फाइन थोड़ा सा ट्विस्टेड था बट ये क्वेश्चन आ चुका है, कम ऑन। एक से ज्यादा बेटा अभी सिंस आइटम कंडीशन देखा, सिर्फ क्वेश्चन ट्विस्ट किया बच्चा लोग, कैसा करते हो तुम लोग। फाइन ओके बेटा, जशान मैं आपकी मैसेजेस बिल्कुल देख रही हूँ बट मैं चाह रही हूँ कि आपका नाम जब यहाँ पर दिखे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। फाइन ओके, अच्छा अच्छा ऐसा है क्या आयशा? दैट साउंड गुड बट स्टिल एटलीस्ट ट्राई फॉर इट। फाइन, लेट्स सी द लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड पे आयशा का नाम है या नहीं? यस जशान जी, आप दिखाई दे रहे हैं क्या? अरे यार व्हाट इज दिस, फिर आप बोल रहे हो मैम आप मेरा नाम नहीं बोल रहे हो, व्हाट इज दिस यार। फाइन, तब तक सेंचुरी नहीं मिलेगी ना मुझे, तब तक मुझे मजा नहीं आएगा, सोच लो भाई। यस जगदीश, प्लेइंग गुड। देव खत्री, डॉक्टर दर्ग, डॉक्टर दर्ग तो थर्ड पोजीशन से चिपक गए एकदम, ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे बढ़ रहे हैं। यस आगे बढ़ना है बेटा, पीछे नहीं जाना। फाइन ओके, यस सुजीत, प्रशस्ति, आलू, अगली क्वेश्चन, अगली, कैसे कैसे नाम रखते हो तुम लोग। अक्की, स्ट्रॉबेरी लवर, मानसी ठाकुर, चलिए गुड गुड गुड, वेरी गुड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आ जाइए। हाँ खुशी, मैं भी यही सोच रही हूँ, वाई वाई देव इज डूइंग दिस। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट योर फोन गाइस, लुक एट योर फोन बेटा। मेंटी कोड क्या है डिस्क्रिप्शन में देखिए, मेंटी कोड दिया हुआ है 6597-2096, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है मेंटी कोड। फाइन, यस श्री, हेलो बेटा, जल्दी से ज्वाइन करिए फटाफट, एंड सिलेक्ट करना है इनकरेक्ट मैच माइटोटिक सेल डिवीजन के लिए। देख लो भाई, मियोसिस नहीं है, माइटोसिस है, ध्यान से आंसर लिखना है। यस मेंटी क्विज है बेटा, मेंटी क्विज है, यस कोड आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फाइन इट्स ओके श्री, इट्स ओके, हैपेंस हैपेंस, पहले आंसर दे दो फिर बात करेंगे। फाइन ओके, इनकरेक्ट मैच बताना बेटा, इनकरेक्ट मैच बताना है।
पहला तो कमॉन यार, मेटा फेस तो तुमको ऐसे ही दिखाई दे रहा है, मेटा फेस तो तुमको ऐसे ही दिखाई देना चाहिए, फिर भी गड़बड़ किया है लोगों ने। फाइन, फिर भी गड़बड़ किया है लोगों ने, कैसे गड़बड़ कर देते हो बेटा। फाइन ओके, सिर्फ 17% लोगों को समझ में आया कि फर्स्ट टू एंड फोर्थ को फोर्थ स्टेटमेंट वॉज करेक्ट या इनकरेक्ट। करेक्ट तो नहीं कर दिया तुम लोगों ने बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ही, मतलब इट बिकम्स लाइक अरे क्या कर दिया, किसने पढ़ा दिया तुमको ऐसा। हाँ, पर आई स्टार्ट डाउटिंग माई सेल्फ कि बेटा मैंने तो तुमको नहीं बताया था, कम ऑन यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सा भाषा में बताया था, फिर भी इनकरेक्ट बताना था बेटा, करेक्ट तो नहीं बता दिया इतने सारे लोग। फाइन चले, नो वरीज, इट हैपेंस, लेट सी लीडर बोर्ड पे कि कौन, वो हमारे खुशनसीब 17 लोग थे उनमें से 10 लोगों का नाम देखते हैं भाई कौन है वो। यस, जगदीश फ्रॉम बैंगलोर, देव खत्री, डॉक्टर दिर्क एंड डॉक्टर गोलू, स्ट्रॉबेरी लवर, सुजीत, प्रशस्ति प्रशस्ति, अंकिता, नाजिया, यस नाजिया, मोस्ट वेलकम बेटा, अभी ज्वाइन किया थी लेट। हाँ चलो, नो वरीज, हैपेंस हैपेंस भाई, तुम्हारा नाम चीज कर रहे हैं, व्हाट इज दिस आलू एंड अगली क्वेश्चन, व्हाट इज दिस। चलो ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। हियर वी गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 7th क्वेश्चन है। यस, सेंचुरी नहीं मिल रही है ना, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, अगर एटलीस्ट 100 लोग होता है, शगुन मना के 101 होना चाहिए था, बट हो नहीं रहा, तो तुम लोग शेयर वेयर नहीं कर रहे हो सेशन को, ऐसा मजा नहीं आता है। ओके एंटली, ट्राई ट्राई फॉर टॉप 10 एटलीस्ट। चलो आंसर दो बेटा फटाफट से। द एम फेज स्टार्ट्स विद द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स इन अ प्रोसेस नोन एज डैश। ओके, एम फेज स्टार्ट कब होता है, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम कब होता है, एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन अ प्रोसेस नोन एज डैश। अभी अभी ट्विस्टेड फॉर्म में बताया था, कम ऑन, अभी गलती मत करना। फाइन, लेवल अच्छा है। ओके रितिका, आई होप आपने ज्वाइन किया हुआ है, फटाफट से शेयर भी कर सकते हैं सेशन को बेटा, शेयर करिए, जितने लोगों को पता चलेगा ना, उतना लोग ज्वाइन करेंगे, उतना ही मजा आएगा आप लोगों को, उतना ही कंपटीशन होगा। फाइन ओके, कैसे गड़बड़ कर देते हो बेटा, फिर भी फेयर इनफ, यू प्लेड वेल। फाइन, इट इज कैरियोकाइनेसिस एंड इट इज साइटोकाइनेसिस, अभी तो बताया था बेटा, अभी तो बताया था साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन। फाइन ओके, हाँ बेटा देखिए अंजलि, थोड़ा सा टाइम तो ऑफकोर्स मैटर करता है ना बेटा, लेट्स सी टाइम कौन मैनेज कर पाया, लेट्स सी द लीडर बोर्ड क्या बोल रहे हो तुम। ओके एग्जैक्टली जगदीश, इट हैज टू बी अ मॉडरेट लेवल यार, इट हैज टू बी। नहीं रितिका, ज्वाइन इट, मजा आएगा आपको। यस देव खत्री जी, आंसर तो बहुत अच्छा दे रहे हैं आप, बट ये जो लूजर वूजर लगाया हुआ है, डजंट साउंड गुड। फाइन ओके, यस जगदीश, स्ट्रॉबेरी लवर, प्रशस्ति, नाजिया, अंकिता, सुजीत, आलू, ओके यस डॉक्टर गोलू एंड डॉक्टर दर्ग, मानसी, भाई यही लोगों को आ रहा है क्या आंसर, भाई यही लोगों को आ रहा है क्या, हमारे दिव्या मिश्रा कहाँ चली गई यार, दिव्या मिश्रा देखिए नाम लिया और आ गई। यस हेलो बेटा, जल्दी से ज्वाइन कर लो फटाफट से, एंड भाई सेंचुरी बुझाओ यार, सेंचुरी बुझाओगे तब मजा आएगा तुमको भी और मुझे भी। फाइन चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं अंजलि, बस थोड़ा सा स्टेप और, ठीक है थोड़ा सा और कोशिश करिए, हो जाएगा, डोंट वरी। हियर वी गो विद द 8th क्वेश्चन गाइस, जल्दी से देखना है फटाफट से, लुक एट योर फोन। 8th क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन बचा हुआ है अभी भी, ठीक है, वी आर प्लेइंग विद सेल बायोलॉजी से प्ले कर रहे हैं भाई, एग्जैक्टली सेकेंड पार्ट से ही पता चल जाता है साइटोकाइनेसिस। यस आयशा, वेरी गुड, सही बोल रहे हैं आप। अरे भाई ओम प्रकाश जी, आप जरा मुझे नमस्ते बोले हैं, फटाफट से मेंटी ज्वाइन करें, फाइन और सेंचुरी बना दें एकदम, आपकी भी और मेरी भी साथ में। यस सुधांशु, हेलो बेटा, जल्दी से ज्वाइन करिए मेंटी फटाफट से, एंड सेंचुरी पहुंचनी चाहिए भाई, ये तो क्या बात हो 70% लोग खेल रहे हैं खाली, दिस इज नॉट डन बेटा। दिव्या, काफी सारे क्वेश्चन है अभी, मोर देन 20 क्वेश्चन आर लेफ्ट, एंड टाइम्स अप Which of the following phase of cell cycle most of the organ duplication occurs? The organ duplication भाई कहाँ करवा दिया बेटा तुमने, S phase में, मतलब कैसे कर सकते हो तुम S phase में organ duplication करा दिया, हाँ organelle duplication, organelle बोले तो क्या mitochondria की बात कर रहे हैं बेटा, मतलब duplication देखा और सोच लिया कि DNA तो S phase में डाल दो, बहुत अच्छा किया जो गलत आंसर दिया है ना। चलो let's see next leaderboard क्या बोल रहे हो, लीडरबोर्ड
बोर्ड ये बोल रहा है कि जो हमारे लोग खेल रहे थे वही लोग खेल रहे हैं, उन्हीं का नाम दिखाई दे रहा है। फाइन, यस देवेश, कोई बात नहीं बेटा, स्टिल वी हैव एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेफ्ट, इट्स ओके इट्स ओके। यस जगदीश, देव खत्री, स्ट्रॉबेरी, आलू, डॉक्टर गोलू, प्रशस्ति, नाजिया, नाजिया वेरी गुड बेटा, थोड़ा सा और ऊपर जाना है अब अपने को। यस नीट, नाम ही रख लिया नीट, शाबाश, ये तो फिर भी बहुत अच्छा है। यस सुजीत, अंकिता, शाबाश बेटा, प्लेइंग फेयर एंड ऑफ, वेरी गुड। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया बेटा, फटाफट से जाइए menti.com पे और ज्वाइन करिए। कोड डालना है 6597 2096, बहुत इजी सा छोटू सा कोड है, जल्दी से डालिए एंड ज्वाइन करिए। एंड भाई क्या सेंचुरी एंचुरी मारो यार, ऐसे कैसे मजा आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, हियर वी गो विथ द नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन हुआ बेटा, अभी सिर्फ नाइन्थ क्वेश्चन हुआ, वी हैव 30 क्वेश्चन। फाइन चलिए बढ़ते हैं आगे, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देख लो। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ₹10,000 का क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से कि इनकरेक्ट मैच क्या है। लुक एट योर फोन गाइस, लुक एट योर फोन कुशमीत, इट इज 6597 2096। बेटा आयशा, आप कल की क्लास में नहीं थे क्या? एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ में आ जाएगा। इट्स ओके हैपेंस, वो आपने पढ़ा नहीं है ना अभी, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इट्स ओके हैपेंस, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। इनकरेक्ट मैच बचाना है भाई, इनकरेक्ट मैच क्या है, वो वाला मैच जल्दी से बता दो। मैच चल रहा है ना, तो देखने कोई नहीं जाना, ध्यान से सुनो बात। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, तो बोलना ही नहीं कि एनसीईआरटी के बाहर है मैम। इनकरेक्ट मैच, फिर से इतनी फ्रीक्वेंसी कम कर देते हो बेटा आप लोग। पॉलिटिन, अरे बाबा कल तो बताया था डिप्लोटीन में होता है बेटा, ऐसा पॉलिटीन में नहीं होता, डिप्लोटीन फेज में बताया था ना, उस साइड से लिखा भी था ब्लू कलर के पेन से, कैसे गड़बड़ कर देते हो। फाइन ओके, नहीं सुधांशु बेटा अभी डेट नहीं आई है। फाइन इट्स ओके अहमद, हैपेंस हैपेंस, चलिए लेट्स सी लीड अबाउट, कैसे गलती कर देते हो बेटा, इतनी छोटी सी चीज, सिर्फ और सिर्फ इतना जल्दी नहीं करना होता है, स्टे काम ओके। जल्दी जल्दी में काम हो जाता है शैतान का, इंसान का काम करना है देवता बन के। यस जगदीश वेरी गुड, जगदीश जब अपन ने स्टार्ट किया था फ्यू मंथ्स बैक, आई गेस आपका बॉटनी बहुत वीक था, अभी इट साउंड गुड, मतलब कभी लीडर बोर्ड पे आजकल हमेशा ही तुम ही सारे हुआ होते हो, शाबाश वेरी गुड। यस बच्चा लोग, ऑलमोस्ट इट इज द सेम, बापू इज अ न्यू एंट्री, यस बापू, नाइस वन, गुड वन, ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा लोग 10th क्वेश्चन देखते हैं। यस जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है 15th के बाद। ओके ओके रविकांत बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज देयर इज समथिंग दैट इज बाय डिफॉल्ट सेट होता है, फाइन सो दैट कैन नॉट बी डन, मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम के लिए इस चीज के लिए। ओके हाँ जी, तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ डिप्लॉइड म्यूसाइट हैज 32 क्रोमोसोम्स, देन ड्यूरिंग मियोसिस एंड जायगोटीन स्टेज हाउ मेनी बाइवेलेंट्स वुड बी प्रेजेंट इन द सेल। ध्यान से सोच के आंसर देना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा बेटा। नाजिया इट इज ओके पहले आंसर दीजिए फिर बात करते हैं बेटा अपन, जल्दी से ज्वाइन कर लो बेटा जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। यहाँ आंसर नहीं देना है खरा, यहाँ आंसर नहीं देना बेटा, menti.com पे जाइए ज्वाइन करिए फिर आंसर दीजिए। यस वेरी गुड, कोई बात नहीं अंजलि, कोई बात नहीं बेटा, आंसर दीजिए पहले फिर बात करते हैं अपन, ठीक है। हाँ जी, तो टाइम्स अप हो गया है, बायवेलेंट हमारे यहाँ टेट्राड कंडीशन होती है, फाइन टेट्राड कंडीशन होगी। 16+16 कितना होता है आप लोगों के यहाँ, वही होता है सेम, तो कैसे गलती किया कुछ कुछ लोगों ने, स्टिल फेयर इनफ यू प्लेड वेल, या प्लेड वेल वेरी वेरी गुड, 36 लोगों ने सही आंसर दिया, बट थोड़ा सा दिल टूटा है, बट ठीक है मैं सवा लूंगी। ओके लेट्स सी द लीडर बोर्ड, 16+16 डिप्लॉयड, और लिखा भी है डिप्लॉयड मियोसाइट की बात कर रहे हैं, फाइन उसमें है 32 क्रोमोसोम, तो ड्यूरिंग मियोसिस में जब जायगोटीन स्टेज में जाएगा तो बाइवेलेंट पूछा है ना बेटा, बाइवेलेंट मतलब टेट्राड कंडीशन, एक क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम, ये वाली कंडीशन पूछिए, गलती कैसे किया, फाइन चलो चौके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा लीडर बोर्ड देखते हैं, यस 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 जगदीश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा लगता है जब कोई बच्चा ऐसा बोलता है तो। यस 32-16 हो गया एग्जैक्टली, देखे भाई कुछ हेरा फेरी हुआ क्या लीडर बोर्ड में, हमारे नीट और बापू जी थोड़ा सा ऊपर आ गए,
दीर्घ एंड गोलू जी, गोलू जी कहा नहीं बहुत गए बेटा, देव खत्री, जगदीश, आलू, प्रशस्ति, सुजीत, नीट एंड डॉक्टर गोलू पापू, तुम लोग क्या क्या नाम रखते हो मतलब। चलो चौके चौके, यस अंकिता प्लेइंग गुड। अंजलि बच्चा यहाँ पर आंसर आना है, यहाँ पर थोड़ा सा और कोशिश करो, अभी 12th में पहुंचे थे ना, आप 10th में भी पहुंच जाओगे, फिर धीरे धीरे ऐसे कछुए की चाल चलते हैं अपन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभ अंक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 11, एक और एक होता है 11, लेट्स सी 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई 1 मिनट ज्ञान, पहले आप मेरा ज्ञान ले लीजिए। और ये देखिए, ए माइटोसिस यूजुअली अकर्स इन, ए माइटोसिस कहाँ होता है, ए थोड़ा सा बेटा रिलेट कर लो, बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी, ए माइटोसिस कहाँ होता है प्लीज, भगवान के लिए और अपनी मैम के लिए इस आंसर को गलत मत करना, प्लीज इस आंसर को गलत मत करना बेटा जी। डन एंड करेक्ट, डन ना बेटा, भूमि यहाँ पर आंसर नहीं देना है बेटा, यहाँ पर नहीं देना है, यहाँ पर देना है फाइन, कमेंट में नहीं देना बच्चा लोग आंसर, यहाँ पर दीजिए प्लीज, यू विल हैव फन सीरियसली। www.menti.com पे जाना है, 6597209 कोड डालना है, या टाइम्स अप कहाँ होगा बेटा ए माइटोसिस, कैसे गलती कर देते हो फाइन। प्रोकैरियोटिक सेल में, मेरिस्टम्स में बेटा, मेरिस्टम्स में नहीं होता, मेरिस्टम्स में माइटोसिस होगा फाइन, स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा एंड यूकैरियोटिक सेल तो माइटोसिस मियोसिस दोनों होगा, तो कैसे गलती किया, ऑफ कोर्स प्रोकैरियोटिक सेल पुराने जमाने के फाइन, नाम से समझ, अरे बेटा थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते, माइटोसिस मियोसिस तो अच्छे से पढ़ा है फाइन, माइटोसिस हम लोग डिटेल में पढ़ते नहीं है, डायरेक्टली एक सेल है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हो सकता है एक के पास ज्यादा पार्ट चला गया, हो सकता है एक के पास कम पार्ट चला गया, सो इट इज अनइक्वल फाइन, माइटोसिस नाम से समझ में आता है फाइन। लेट्स सी कितने लोगों को समझ में आई ये बात, कितने लोगों ने स्किप की ये बात फाइन। यस प्लीज, नहीं खुल रहा मेंटी, एक बार कोशिश करिए बेटा, www.menti.com पे जाइए। यस देवेश, आई एम वेटिंग फॉर इट, आई एम वेटिंग फॉर इट, ओके वेरी गुड, वही लोग थे और कोई हेरा फेरी नहीं हुआ, मानसी ठाकुर, यू लावण्या, ओके ओके दो लोगों ने ज्वाइन किया है, वेरी गुड, शाबाश बेटा, वेरी वेरी गुड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हो तुम, 12th क्वेश्चन गाइस, हियर वी गो, हियर वी गो। भाई सेंचुरी होती तो बहुत मजा आता, बट अभी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा भाई, 70 के ऊपर ही नहीं जा रही जनता, क्या बात है। यस प्लीज, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया बेटा, जाइए menti.com पे और यूज करिए कोड 6597209 माइटोसिस कैन अकर इन, ये क्वेश्चन है, आंसर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, बिल्कुल सही आंसर देना बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो गड़बड़ मत करना। यस देवेश, आई एम वेटिंग फॉर इट बेटा, कोड डालिए ओनकार 6597209 डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में देखिए 6597209 दिस इज द कोड, इजी वन ना, इजी वन, ओके ये सही है, इजी पीजी, मतलब एक क्वेश्चन दे दो इजी तो, अरे मैम ये तो बहुत इजी था, और फिर जब एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया तब, अरे मैम कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हो तुम, बहुत पलटू हो यार, पलट जाते हो फटाफट है ना, गुड वेरी गुड, काफी लोगों ने सही आंसर दिया बेटा, शाबाश, यू प्लेड वेरी वेरी गुड फाइन। सिर्फ डिप्लॉइड सेल में कैसे करवा दोगे बेटा, अगर कुछ अलगी होगा हैप्लॉइड से भी तो हैप्लॉइड बनता है ना बच्चा, माइटोसिस इज, हमको ये नहीं पता करना कि भाई डिप्लॉइड में ही होगा, हमारा मेन इंटेंशन है माइटोसिस करके इक्वल सेल डिविजन करना, मतलब अगर कुछ अलगी हो गया तो, हैप्लॉन्टिक सेल साइकिल परफॉर्म किया तो, ब्रायोफाइट्स में अल्गी में क्या होता है, माइटोसिस ही तो होता है बेटा, माइटोसिस से दो सेल बनता है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा फाइन, तो मियोसिस हो गया तो n/2 थोड़ी हो जाएगा फाइन, तो क्या होगा भाई माइटोसिस का करेक्ट आंसर, शाबाश भाई, इसमें तो तुमने दिल खुश कर दिया, बनता है भाई इतना तो बनता है, शाबाश वेरी वेरी गुड। लेट्स सी वेरी गुड किसको बोलना है हमको, कुछ चेंज कुछ बदलाव हुआ है क्या, यस जगदीश, देव खत्री, आलू जी, कुछ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ ऊपर चेंज ऊपर नीचे कुछ नहीं हुआ है, द सेम वन, ओके ओके यस, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी लवर, लावण्य, मानसी, प्रशस्था, ओके यस, डॉक्टर दर्ग, नीट, सुजीत, आलू, प्लीज आई फॉरगॉट, एक नाम चेंज करो तुम लोग, क्या क्या यूज करते हो, चलो इट्स ओके, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन शुभ अंक वाला क्वेश्चन है ये भी। हाँ बेटा, नहीं नहीं नहीं, ऋतिका डिप्लॉइड में होगा बेटा, ऋतिका डिप्लॉइड में होगा मियोसिस,
हाँ, हैप्लॉइड फॉर प्लांट्स ओनली. यस अहमद, हैप्लॉइड फॉर प्लांट्स ओनली. यस ओनकर, वेरी गुड बेटा. अगर आपका आंसर सही आया तो अब मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर दिखाई दें लीडर बोर्ड पे. ऑल द बेस्ट, आंसर दीजिए प्रॉपर से. मैच द फॉलोइंग करना है विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस. बताया था क्या मैंने तुमको, बिना सनम के किस्मत टेढ़ी. चलो अब तो तुमको हिंट भी दे दिया है. लता जरा पानी दे दो, बिना सनम के किस्मत टेढ़ी. अब इतना ही हिंट दे पाऊंगी मैं, उससे ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगी. अच्छा है ना. ओके, आपका आंसर सही था. अभी आंसर यहाँ देना है भूमि. ए जगदीश, दिस इज नॉट डन. आंसर देते हो उसके बाद फिर ये बोलते हो. अब बेटा रुक जाओ, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है, रुक जाओ तुम. वेटिंग 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 वेटिंग. ओके ओके, ये अच्छा बात. टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप. काफी सारे लोगों को समझ में आई ये बात. वेरी गुड, शाबाश. सो द करेक्ट आंसर इज डी. फाइन. जाइगोटीन में क्या करवाया तुम लोगों ने? हाँ, चलिए, फेयर इनफ, गुड. क्या बताया था बेटा मैंने आपको? लता, एल, लिप्टोटीन, जरा, जाइगोटीन. फाइन. बिना सनम, बी आई. तो कैसे याद रखोगे? बीडेड अपियरेंस से, बुके अपियरेंस से. लता, एल याद रहेगा ना बेटा. लिप्टोटीन, बीडेड अपियरेंस, जाइगोटीन क्या था? सनम, एस, साइनेप्सिस. भूल गए? किस्मत टेढ़ी, दैट इज क्रॉसिंग ओवर इन पैचिटीन. डिप्लोटीन में क्या हुआ था? डिप्लोटीन में काइज़मा फॉर्मेशन किया था अपन ने. फाइन. एंड डाइकाइनेसिस में कर दिया था टर्मिनलाइजेशन, टेढ़ी. लेट्स सी कितने लोगों को समझ में आई ये बात. लेट्स सी. यस डॉक्टर आचार्य, वेरी गुड वेरी गुड. उनका शाबाश बेटा. लेट्स सी लीडर बोर्ड पे आए हैं क्या आप? फाइन. लेट्स सी लीडर बोर्ड पे आए हैं क्या आप लोग? वेरी वेरी गुड, शाबाश. ऑलमोस्ट जो सेम था वही सेम चल रहा है भाई. और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा. बिकॉज कहीं पर कुछ भी छोटा सा इन्फॉर्मेशन छूट गया है, तो जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा तो आपको आसानी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. पता चल जाएगा कि कब हमारा महामेंटी सेशन हो रहा है, कब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. फाइन. सो डोंट मिस द चांस ऑफ ग्रैबिंग द नॉलेज. डू फटाफट से हिट कर दीजिए इस तरीके से बेल आइकन को. फाइन. ओके. यस तोलू मोदी जी, बिल्कुल मैं बाटी पढ़ाती हूँ. चलिए बढ़ते हैं आगे. फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई. 14th क्वेश्चन, 14th. अभी तो बेटा हमने आधा आधा मकाम भी हासिल नहीं किया. जस्ट द 14th क्वेश्चन. 14th क्वेश्चन जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है बेटा, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए menti.com पे जाकर. और ट्रू फॉल्स बता दीजिए पहले तो बेटा. ये तो मैंने तुमको डायरेक्टली बताया था. प्लीज प्लीज गलत मत करना बेटा, प्लीज गलत मत करना. ट्रू और फॉल्स बताना है. फाइन. वरुण, मैं आपको बताती हूँ बेटा, मैं आपको बता दूंगी एक बार पहले इस चीज को सॉल्व कर ले, फिर मैं आपको डिफरेंस बता दूंगी. ओके वरुण जी, रुक जाइए, बता देते हैं बेटा आपको. एक बार ये क्वेश्चन कर ले फिर बताते हैं. फाइन. बस इतने से लोगों को समझ में आ रही है बात. वेरी गुड. यस सोनू मोदी जी, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप? पहले आंसर दीजिए फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ. बेटा अमर अंसारी, नुपुर पटेल, यहाँ पर आंसर देना है बेटा. menti.com पे जाइए, यूज करिए कोड 6597 2096. काफी लोगों को समझ में आई बात कि एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट था कि सेल थियरी इनिशियली प्रपोज रुडोल्फ विर्चो ने नहीं की थी बेटा. इट वॉज डन बाय शेलडन एंड स्वान. दिस वॉज द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट गाइज. कैसे गलत कर देते बेटा. यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली. वेरी गुड जगदीश, वेरी वेरी गुड, शाबाश. प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड. लेट्स सी द लीड बोर्ड. लीडर बोर्ड क्या बोल रहे हो तुम? लीडर बोर्ड कोई नई एंट्री लाए हो क्या? लीडर बोर्ड बोल रहा है कि हमारे बच्चे कोई न्यू एंट्री कर ही नहीं रहे, कोई और कोई बच्चा ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा. फाइन. यस 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 प्रज्ञा, बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है, ऑफ कोर्स. यस ली, जल्दी से आंसर दे दो फटाफट से. ज्वाइन कर लो menti.com पे. अगर जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जस्ट गो टू menti.com, यूज द कोड 6597 2096 एंड ज्वाइन कर लीजिए, जैसे हमारे बहुत सारे बच्चों ने किया है. जगदीश वेरी गुड, प्लेइंग फेयर एनफ, वेरी वेरी गुड. देव खत्री, सुजीत आलू, डॉक्टर डॉक्टर दर्ग. ओके नीट, प्रशस्ति, लावण्या. यस मानसी ठाकुर, अंकिता, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड. ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. हाफ सेंचुरी, हाफ सेंचुरी. ओके ऑफकोर्स फैजल, इफ यू विल ट्राई यू विल कम ऑन लीड बोर्ड. जस्ट गो टू menti.com बेटा एंड कोड यूज करिए 6597 2096 एंड आप बिल्कुल आ सकते हैं सही आंसर देके लीडर बोर्ड पे, जैसे हमारे 10 बच्चे दिखाई दे रहे हैं.
फाइन ओके. एक्सोनिम यूजुअली हैज डैश ऑफ डबल एड्स. अभी बताया था बेटा मैंने आपको, लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था आपको. यस, एक्सोनिम यूजुअली हैज द डैश ऑफ डबल एड्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड डैश ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स. ध्यान से देख लो बेटा, एक्सोनिम पूछ रहा है कि भाई इट हैज डैश नंबर ऑफ डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड डैश ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स. बताया था अभी, कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि नहीं? बिल्कुल गलत नहीं करना है बेटा. सो हम यहाँ पर आंसर देना है बेटा, menti.com पे आंसर देना है. वरुण जी, पोलन मदर सेल में होगा मियोसिस, उसके थ्रू स्पोर का फॉर्मेशन होगा बेटा, माइक्रोस्पोर बनेगा. अरे अरे गलत कैसे कर दिया बेटा, गलत कैसे कर दिया? किसी ने दो पैर, अरे बेटा वन पैर ही तो कह रहे, सिंगल सिंगल है बट वन पैर ही तो कराएगा सेंट्रली, फाइन. एंड नाइन पैर डबलेट थे, नाइन कैसे गलती किया? बताया था आपको नाइन प्लस टू, कहीं पर मतलब नाइन प्लस टू दो पैर लिखा हुआ है बेटा, पढ़ते तो सही, नाइन प्लस टू बिल्कुल सही बात है बट दो पैर में थोड़ी सिंगलेट है, फाइन. सिंगल यूनिट था बीच में, अरे यार गलती कर देते हो तुम लोग ऐसे ही, फाइन ओके. चलिए नो वरीज नो वरीज नो वरीज, बढ़ते हैं आगे, जल्दी से आंसर दे दो बड़ा फट से, बिना देर किए कोड यूज करना है क्या? 6597-2096. यस देवेश, आप आ गए क्या लीडर बोर्ड पे? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? नाम क्या है? सिबशितान, क्या नाम, क्या कुछ भी नाम लिख दो यार तुम लोग, व्हाट इज दिस यार. चलो इट्स ओके. जगदीश देव, खत्री, सुजीत, डॉक्टर दर्ग, आलू, नीट, अंकिता, प्रशस्ति, नाजिया, शिबास्तियान, ओके सिबास्तियान, टीएन, ओके फाइन. चलिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी हो जाती है भाई, थोड़ा अच्छा अच्छा नाम लिखो ना, ऐसे मदन लाल, छगन लाल, घनश्याम, श्याम दयाल, श्री कृष्ण. चलो बढ़ जाओ आगे, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी चले आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन. 16th क्वेश्चन ऑफ, अभी 30 क्वेश्चन है हमारे पास, 16th क्वेश्चन पे आए हैं. यस एवरीवन, एम आई ऑडिबल? बेटा मैं ऑडिबल हूं आपको, यस एवरीवन एम आई ऑडिबल? बेटा मैं ऑडिबल हूं क्या आपको? टेल मी गाइस, यस बच्चा लोग जल्दी से बता दो, एम आई ऑडिबल? भाई बच्चा लोग जल्दी से बताओ पहले तो, क्या मैं ऑडिबल हूं? अच्छा नॉट विजिबल, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से बताओ पहले तो, क्या मैं ऑडिबल हूं? यस मैम, एम आई ऑडिबल? बेटा एम आई ऑडिबल? ओके ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, यस यस यस, दैट्स अ स्मॉल प्रॉब्लम आई गेस, छोटा सा प्रॉब्लम है बेटा, मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करती हूँ. टिल देन इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप लोग पहले तो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, लेट्स सी फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक आई रिजॉल्व द इशू, ओके. मैच द कॉलम एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से पहले इसका आंसर दे दो बेटा फटाफट से, एंड टिल देन आई रिजॉल्व द इशू, ओके. मैं तब तक रिजॉल्व करती हूँ इशू को, आप इसका आंसर दे दीजिए. मैच द कॉलम करना है, करेक्ट करेक्ट ऑप्शन लगाना है बेटा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है सेल चैप्टर का, डोंट प्लीज गलती मत करना है, ठीक है? हाँ रितिका, यस प्लीज, आई डोंट नो बेटा, हो जाता है ऐसा, हो जाता है कभी कभी. ये सुधांशु बेटा मेंटी पे ही जाना है, सही आंसर देना है बिना गलती किए. जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ वाइल बच्चे लोग, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ वाइल, बिल्कुल आ जाएगा सही आंसर, ओके. डोंट वरी, टाइम्स अप. वन इज वैक्यूल, यस प्लीज, टोनोप्लास्ट वैक्यूल सही आंसर था बेटा, गलती कैसे किया? फाइन, गलती कैसे किया? हैपेंस, ओके, कोई बात नहीं है. लेट्स सी द लीडर बोर्ड क्या बोल रहा है भाई लीडर बोर्ड, कहाँ चले गए हो तुम, कहाँ हो लीडर बोर्ड? ओके लेट्स सी द लीडर बोर्ड देखने बेटा, फिर आई रिजॉल्व द इशू, डोंट वरी फॉर दिस.
हाँ सुधांशु, आई विल बी बैक, मैं जल्दी से आती हूँ, एक बार लीडर बोर्ड देख लें फिर मैं जल्दी से आ जाती हूँ। यस गाइस, वेरी वेरी देवेश, 10 क्वेश्चन लेट, वेरी गुड बेटा, यू डिड फेयर इनफ वेल, हाँ फेयर इनफ वेल, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, फाइन, वेरी वेरी गुड। यस बच्चा लोग, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? यस गाइस, एम आई ऑडिबल, मैं विजिबल हूँ बेटा, कोई इशू, बफरिंग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बता दो फटाफट से, कोई इशू, कोई बफरिंग, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो टेल मी फटाफट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, टिल देन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन गाइस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, बिना बिना कोई भी गलती किए, नो इशू, एवरीथिंग इज ऑल सेट। हाँ हमारी जनता कम कैसे होगी, 4-5 लोग कहाँ चले गए? यस, ये हुई ना बात, वेरी गुड, शाबाश। लेट्स सी द 17th क्वेश्चन बच्चा लोग, जल्दी से देखते हैं, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस एंड लुक एट योर फोन, किसका फंक्शन है? या बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करना, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करना, एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स इन एनिमल्स। ध्यान से आंसर देना बेटा, बिना गलती किए, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की भी बात हो रही है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कौन करता है मॉडिफिकेशन? कोई प्रॉब्लम नहीं है ओंकर, इट्स ओके बेटा, हैपन, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फाइन। एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, जो भी हमारे क्लासेस है उनकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, टेक माय वर्ड, सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ओके। और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना, तब सब समझ में आएगा, फाइन, ओके, ठीक है रितिका, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ईआर करेगा दोनों ही काम, गोल्गी अपैरेटस कैसे कर देगा भाई, गोल्गी अपैरेटस कैसे कर देगा, प्रोटीन सिंथेसिस वो थोड़ी कर लेगा बेचारा अकेला बैठ के, फाइन। देखते हैं कितने लोगों को समझ में आई ये बात, लेट्स सी कितने लोगों को समझ में आई ये बात। हाँ जी, कितने लोगों को समझ में आई ये बात? यस देवेश, वेरी गुड, नाजिया, प्रशस्ति, शाबाश, वेरी गुड, बस सिर्फ नाजिया प्रशस्ति में ऐसा हेरा फेरी हुआ है, मैं ऊपर नीचे, बाकी ऑल सेट, हाँ ऑल सेट, वेरी वेरी गुड। यस देव खत्री थी, सुजीत, डॉक्टर दर्क एंड आलू मीट, ओके अंकिता, वेरी गुड बेटा, जल्दी जी आप तो फिक्स कर लिए, फाइन, ओके। हाँ बेटा देवेश, थोड़ी सी मेहनत और लगेगी 10th से फर्स्ट पे जाने के लिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देख लो भाई, लुक एट योर फोन गाइस, लुक एट योर फोन। देवेश बस थोड़ी सी मेहनत और बेटा, जस्ट ट्राई, और थोड़ा सा इतनी सी दूरी और है, फाइन, और ये ऐसे क्रैक कर जाओगे तुम नीट, है ना। चलिए ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इनकरेक्टली मैच विद दिस फंक्शन, ओके। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा, है ना, ओके। बिल्कुल समझ में आएगा, ऑफ कोर्स। अरे भाई ऐसे बेकार 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 कमेंट नहीं करना बेटा, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन, वी आर हैविंग फन, एंड क्यों भाई इधर उधर बातें करनी है? अरे भाई बच्चा लोग, स्पेरोसोम, स्पेरोसोम क्या करते हैं, स्पेरोसोम्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्मूथ ईयर, ठीक है, सो बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन में मदद नहीं कर सकते, एंड गोल्गी बॉडी ग्लाइकोसाइडेशन करता है ना बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में मदद करता है, ग्लाइकोलिपिड बनाने में मदद करता है, माइक्रोट्यूब्यूल लाइक ऑर्गेनल्स कैसे मदद करेंगे भाई, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनल्स बिल्कुल मदद करेंगे, इवन सीलिया फ्लैजेला माइक्रोट्यूबुलर ही तो है बच्चे, कैसे गलती किया, पैरोक्सिज्म, फोटो रेस्पिरेशन, क्यों भाई फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है क्या, फाइन, उसमें क्या पढ़ते हो आप, चम्मच पे मिठाई, बताया था आपको चम्मच पे मिठाई, बोले तो क्या, सी से चम्मच, सी से क्लोरोप्लास्ट, पी से पेरोक्सीजोम, फाइन, एम से माइटोकॉन्ड्रिया मिठाई, चलो बढ़ते हैं आगे, लेट्स सी कितने लोगों को समझ में आई ये बात। हाँ तो भाई हमारी जनता, कितने लोगों को समझ में आई ये बात, है ना। हाँ फैजल, तो आप समझ सकते हैं तो आप महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं, जल्दी से महसूस करिए, फाइन, ये हुई ना बात, वेरी गुड, वेरी गुड। जगदीश, सुजी, डॉक्टर दर्द, देव खत्री जी, आलू जी, नीट, अंकिता, नाजिया, देवेश, ये हुई ना बात बेटा, वेरी गुड। यस मानसी, न्यू एंट्री, शाबाश, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड।
चलिए ओके सो ये सही है तुम्हारा, एक दूसरे को सपोर्ट कर लो और एक दूसरे में थैंक्स थैंक्स बोल दो, ठीक है चलो ओके वेरी गुड ओके। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 19th क्वेश्चन आज की टास्क के लिए, ये रहा तुम्हारी आंखों के सामने। कितने हजार का क्वेश्चन है जरा देखते हैं। अरे तो चिल्ला चालू सा क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन है, छोटा और बड़ा आम ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या बोलोगे बेटा, कोई भी हो जाए, कोई भी सेंट्रिक क्रोमोसोम हो, दोनों आर्म्स को तो एक ही नाम दिया जाता है क्या, ये मैं अभी नहीं बताऊंगी। ओके फैजल कोई बात नहीं बेटा, कोशिश कर लो, इट्स ओके भाई। अंसारी जी आप जरा कृपया यहाँ पर ध्यान दें, उसके बाद अपन हाय हेलो करेंगे भाई। ओके हाँ जी, तो क्या आंसर आया, सब में एकदम इज्जत के साथ आंसर देना है, ठीक है। लिखा हुआ है पी, क्या पी एन क्यू आंसर होगा या क्यू पी होगा, एम एन एन होगा या एस और एल होगा, क्या होगा। तो छोटू और बड़ी आम को थोड़ा सा इसमें हेरा फेरी है बेटा, फाइन याद रखिएगा पी एन क्यू। काफी लोगों ने सही आंसर दिया, शाबाश वेरी गुड। बता रहा था बेटा आपको, कोई भी क्रोमोसोम हो सब जगह पी एन क्यू ही बोलते हैं बेटा, जो ऊपर वाला पार्ट है नीचे वाला पार्ट है, क्योंकि जो आपका सेंट्रोमियर है थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, तो ऊपर वाला पार्ट जो ऊपर वाला आम है वो छोटा हो जाता है, नीचे वाला बड़ा हो जाता है, सब मेटासेंट्रिक फाइन ओके शाबाश। प्लेट फेयर एनफ गुड, लेट्स सी द लीडर बोर्ड क्या बोल रहे हो तुम देवेश जी, थोड़ा सा और अपग्रेड करिए, थोड़ी सी कोशिश करिए बेटा। अच्छा क्वेश्चन था ये तो, इजी क्वेश्चन था फाइन, ये हुई ना बात, वेरी गुड। इसे बोलते हैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, शाबाश वेरी गुड मानसी ठाकुर जी। मानसी ने अभी एंट्री की है भाई, देख लीजिए आप लोग, समझ गए फैजल, देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़िए, वेरी गुड। जगदीश सुधीर डॉक्टर दर्ग आलू अंकिता देव खत्री, देव खत्री आ गए आप, वेरी गुड नाजिया देवेश जी, शाबाश यार वेरी गुड, ये तो क्लैप तो बनता है आपके लिए, वेरी गुड शाबाश, ठीक है। यस मानसी जी एंड नीत जी का नीचे पहुंच गए आप, चलो ऊपर आ जाओ फटाफट से। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन ही है ना, यस 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 वेरी वेरी गुड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन फटाफट से देखो भाई क्या बोल रहा है। अरे बाबा अंसारी जी ये तो गलत बात है मैम, मैंने ज्वाइन नहीं किया बट मैं ध्यान दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। आज हमारी दिव्या ने भी बिल्कुल दिल तोड़ दिया मैम का। चल आंसर दो पहले तो बेटा, ये तो मैंने तुमको कितनी जोर से बताया था ना चिल्ला चिल्ला के, बच्चे ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन ये बताया था तुमको जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, पहले चार ऑर्गेनल्स बताया था आपको, इनमें से क्या वो पार्ट नहीं है। प्लीज गलत मत करना बेटा, रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट डू दिस ओके, बहुत बुरा लगेगा क्योंकि इतना ये तो अभी ताजा है, तो याद रहना चाहिए। यस दिव्या बोलो बेटा, मैम बोल के क्यों रुक गए, आगे बोलो जल्दी से। एंड टाइम्स अप फिर भी हाँ, फिर भी सिर्फ आधे लोगों को समझ में आया कि माइटोकॉन्ड्रिया से करी चांस है बेटा, कैसे गलती कर रहे हो, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्या क्लोरोप्लास्ट नहीं है एंडो मेम्ब्रेन का पार्ट, लाइसोसोम गोल्गी बॉडी ER सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे हैं। फाइन बताया था ना आपको बेटा, चार सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूड होता है, फाइन वैक्यूल भी इंक्लूड होता है ना, तो बिल्कुल होता है फाइन। चलिए ओके फाइन ओके बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बस जल्दी, फ्यू मोर क्वेश्चन बेटा, 9 क्वेश्चन और है। लेट्स सी द लीडर बोर्ड क्या बोल रहे हो तुम, डेविड सी को ऊपर उठा रहे हो क्या, यस थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, वेरी गुड। कोई नई एंट्री है क्या भाई, कोई नई एंट्री नहीं है, हमारे आलू जी ऊपर पहुंच गए, ये बिल्कुल नई एंट्री है, गॉड्स ओन कंट्री सुचित ओके नाइस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग भाई, 21वां क्वेश्चन है, शुभ अंकों वाला क्वेश्चन, तो कृपया करके शुभ अंक लाए आपने। लेट्स सी क्या बोल रहा है 21st क्वेश्चन। नो जगदीश दे डू नीड दिस एक्सप्लेनेशन बेटा, आप ही आई यू नो ना कि आपको आंसर आ गया है, तो फिर यू डोंट नीड इट है ना, पहले इसका आंसर दो फिर मैं आपको आंसर देती हूँ। द डार्कली स्टेन रीजन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ RRNA इज, भाई मुझे नहीं पता है बट हाँ इतना जरूर पता है कि RRNA कहां से बनता है, इनसाइड द न्यूक्लियस बोला है, सोच लेना बेटा उसमें गड़बड़ मत करना, तो दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए।
भाई पांडे जी जरा आप यहाँ पर आंसर दीजिए ना, वहां आंसर क्यों दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी मजा आएगा। मानसी बेटा वहां क्यों आंसर दे रहे हो, आंसर दो, यू आर प्लेइंग सो फेयर एंड गुड। न्यूक्लियोलस कम ऑन यार, न्यूक्लियोलस बेटा, न्यूक्लियोलस आर आर एन ए क्यों नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा जब हमने राइबोसोमल फैक्ट्री न्यूक्लियोलस को बोला है। राइबोसोम किससे बना हुआ है बेटा, राइबोसोम बेचारा प्रोटीन और आर आर एन ए से ही तो बना हुआ है, मन्ना लोग कैसे गलती करता है तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी कितने लोगों को समझ में आई ये बात, कितने लोगों को समझ में आई बात। शिबास्टियन, शिबास्टियन ओके सर, इसका तो सर्च करना पड़ेगा शिबास्टियन क्या होता है। यस ओके देवेश वेरी गुड बेटा, शाबाश एंड द फास्टेस्ट वन, वेरी गुड। यस जगदीश, सुजीत, आलू जी, डॉक्टर दर्ग, अंकिता, देवेश वेरी गुड, मानसी वेरी वेरी गुड बेटा, नीत, नाजिया, शिबास्टियन ओके फेयर एनफ गुड गाइस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन, लेट्स सी क्या बोल रहा है 22nd क्वेश्चन। हाँ बेटा मैं भी यही सोच रही हूँ दिव्या कि आपके वाले सारे बच्चे कहाँ हैं, हमारी शैतान गैंग कहाँ है भाई। दिव्या आप ही बुलाइए उन्हें जल्दी से, बोलिए कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, एटलीस्ट जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट, इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है इनको। इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन आर मेड अप ऑफ कम ऑन यार, ये तो बहुत ईजी सी चीज है बेटा, सेल साइकिल सेल डिवीजन में भी बताया मैंने आपको ये चीज। फाइन यस दिव्या मिश्रा, जल्दी से शेयर करिए सेशन को एंड फटाफट से बुला लीजिए जो हमारे बाकी के बच्चे शैतान गैंग हैं वो कहाँ पर है, जल्दी से बुला लो फटाफट। तुम लोग मेंटी मेंटी करते रहते हो और मेंटी ज्वाइन नहीं किया है, हाँ वेरी बैड वेरी बैड। चलो लेट्स सी सही आंसर क्या है भाई, सही आंसर सिर्फ डीएनए और हिस्टो प्रोटीन ही होगा क्या बेटा, आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा क्या। न्यूक्लियो प्रोटीन रीजन है ना बच्चा, न्यूक्लियो प्रोटीन रीजन में तो प्रोटीन सारी तरीके का होगा, ऐसा थोड़ी है सिर्फ डीएनए से बना हुआ होगा, फाइन आरएनए भी होगा, जो नॉन प्रोटीनेशियस चीजें वो भी होगा, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर जिसे आपने बोला क्रोमेटिन, बेटा क्रोमेटिन में तो सब कुछ होता है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए थोड़ी होगा, फाइन चलिए नो वरीज। अच्छा ट्विस्टेड क्वेश्चन था, लेट्स सी कितने लोगों को सही आंसर आया, लेट्स सी कितने लोगों को सही आंसर आया भाई। नो जगदीश बेटा, और भी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वी आर सपोज टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी वन, फाइन वी कैन नॉट डू दिस, वी कैन नॉट डू दिस, थोड़ा सा टाइम और, थोड़ा सा टाइम और, इट्स ओके happens happens right। Jagdish very good, Sujit, Dr. Dirg and Dr. Golu, Devesh, Alu, Ankita, Neet, Nadia, Mansi and Sebastian, shabash beta you are playing very good, shabash, bahut acche questions ka kafi acche and samajhdari se answer de rahe hain aap। Let's see the next question guys, let's see the next question, pesh kiya jaye bhai 23rd question। हाँ बेटा मैं भी यही सोच रही हूँ दिव्या, फटाफट से बुला लाऊ इन्हें कि भाई मैम बुला रही है तुमको और बहुत नाराज भी, ऐसा भी बोल देना ठीक है, थोड़ा डराना जरूरी होता बच्चों को। कोई बात नहीं है बेटा अंसारी जी, कोई बात नहीं है, जल्दी से बोलो आदर्श को कि भाई आज मेंटी है और तुम कहां पर गायब हो गए हो। यस दिव्या जल्दी से बुला लो बेटा फटाफट से बिना देर किए, कम ऑन, ये तो भाई मैंने अपनी 8 बजे वाली क्लास में कल ही समझाया था कि डैश रीजन में लाइट रिएक्शन होता है एंड डैश पार्ट में डार्क रिएक्शन होता है, बताया था ना, तो फिर गलती कैसे क्यों कर रहे हो भाई, तो फिर गलत कैसे कर रहे हो। बस इतने से लोगों ने, सिर्फ 55 लोगों ने सही आंसर दिया, अरे यार व्हाट इज दिस, बिल्कुल दिल तोड़ देते हो तुम, बट सही आंसर दिया तो चलो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। फाइन ग्रेना, थाइलाकॉइड में होता है ना बेटा लाइट रिएक्शन क्योंकि क्लोरोफिल वहां मौजूद है, कम ऑन कैसे गलती किया कुछ कुछ छोटे छोटे लोगों ने। चलो ओके चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं लीडर बोर्ड पे कौन छाया हुआ है भाई, लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड क्या बोल रहे हो तुम, कुछ बदलाव लाए हो क्या, कुछ बदलाव लाए हैं, अच्छा सी फॉर छवि ओके यस प्लीज, कोई बदलाव नहीं है हमारे लीडर बोर्ड में, यस 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 कोई भी बदलाव नहीं है, कोई न्यू एंट्री नहीं है, जो हमारे फिक्स जनता हो गई अब तो भाई वही खेल रही है आगे। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाओ, अभी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, एक अच्छा गेम हो गया, फाइन ओके फाइन ओके ओके, नो नो जगदीश बस थोड़ा सा टाइम और बेटा, स्टिल यू हैव हाफ एन आवर टू गो, कम ऑन मैन, फाइन स्टिल बहुत अच्छा खेल रहे हो आप, डोंट लूज योर पॉइंट्स, डोंट लूज योर पॉइंट्स बेटा, बस 5 to 6 क्वेश्चन और बचा है एंड यू हैव हाफ एन आवर मोर यार, कम ऑन इट्स स्टिल 2:30। एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स आर लोकेटेड इन द डेस्ट पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कम ऑन कम ऑन, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दो प्रॉपर से,
फाइन जल्दी से आंसर दे दो बिना देर किए। परवीन जी कहाँ रह गए थे आप? हाँ हर रोज क्लास में आते हो, आज मेंटी है तो आज क्लास में दिखाई नहीं दे रहे हो। ना ही यासर दिखाई दे रही है, ना ही हमारे आदर्श स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, विपिन भी नहीं है, कहाँ पर है सभी लोग भाई? अरे नहीं दिव्या ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऐसा नहीं बोलते। फाइन यू गाइस आर माई रेगुलर स्टूडेंट्स, तो मैं बिल्कुल मिस करती हूँ आप लोगों को ऑफकोर्स। चलो जल्दी से देखो भाई सही आंसर क्या है। फिर भी आधे लोगों ने लाइट रिएक्शन जहाँ हो रहा था वहां पर एंजाइम डाल दिया और डार्क रिएक्शन करवा दिया है ना। सिर्फ 25 लोगों को समझ में आया, आधी से आधी जनता को। फाइन ओके। अरे भाई पंडित जी, अरे पांडे जी कहाँ पर ह्यूमेन में करवा रहे हैं आप एंजाइम्स? कहाँ बेटा, एंजाइम मैट्रिक्स में होता है, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज ट्रॉमा रीजन। अच्छा लो कैसे गलती करते हो तुम लोग। हाँ चलो ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Still five more questions we have guys. Still five more questions. अरे हर्ष जी कोई नए आए हैं? हर्ष मोस्ट वेलकम, काफी अच्छा लग रहा है आपका नाम देख के लीडर बोर्ड पे। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। फाइन लेट्स सी, अभी बहुत मजा आ रहा है खेलने में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बचा लो जल्दी से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टिल फाइव क्वेश्चन और बचा हुआ है, कहीं जाना नहीं है, जल्दी रुक जाइए। ओके परवीन, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, इट्स ओके, रेस्ट करो, रेस्ट करो। इफ यू आर नॉट वेल टेक रेस्ट, इट्स ओके। पहले तो डिफरेंस बता दो भाई जल्दी से एनिमल एंड प्लांट सेल में, दैट द फॉर्मर लैक्स वेर एज द लेटर पोजेसेस। बेटा थोड़ा सा अंग्रेजी पे ध्यान दे लेना, फॉर्मर क्या होता है, लेटर क्या होता है। तो भाई क्या होता है आपके एनिमल सेल में, क्या होता है आपके प्लांट सेल में? थोड़ा सा फॉर्मर पे ध्यान देना है, लेटर पे ध्यान देना है, अंग्रेजी समझ लो बेटा। भाई पांडे जी आप नए स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा सा कोशिश करिए बेटा, थोड़ा सा कोशिश करिए, हो जाएगा सब कुछ। फाइन ओके, चलिए बताइए भाई क्या होता है आपके प्लांट सेल के पास और क्या नहीं होता है किसके पास, ये देख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। क्या नहीं होता एनिमल सेल के पास और क्या होता है प्लांट सेल के पास? वेरी गुड शाबाश कि तुम अंग्रेजी समझ पाए, वेरी गुड। यस मानसी शाबाश बेटा, वेरी गुड। फिर भी बहुत कम लोगों ने इसका आंसर दिया, कम ऑन यार, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड फ्रीक्वेंसी, कम ऑन, इजी था ना, फिर भी ऐसा कर दिया। यस मानसी, पर बेटा आपका नाम क्यों नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर? चलो नो वरीज, ट्राई योर लेवल बेस्ट, वेरी गुड। यस जगदीश, सुजीत, डॉक्टर गोलू, देवेश, आलू, नीट, नाजिया, मानसी एंड सेबेस्टियन एंड मिस्टर हर्ष, वेरी वेरी गुड शाबाश। लेट्स सी भाई, ये मजेदार हो रहा है अभी। 26 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, 26 क्वेश्चन। अरे 26 क्वेश्चन आ जाओ यार, कहाँ चले गए? आ रहा पूछा, आ रहा है ना? हाँ आ गया। इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन असिस्टिंग द बैक्टीरियम इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज नोन एज। देख लो भाई लोग, जिस बात पे अपन बहस कर रहे थे याद आया तुमको? इनफोल्डिंग एंड एक्सटेंशन याद आया कि नहीं? कोई बात नहीं है सत्यम, इट इज ओके बेटा, अभी पता नहीं है तो पता चल जाएगा, ओके होता है सब कुछ होता है, फिर सब कुछ हो भी जाता है। चलो आगे सुनो फटाफट से। चलो हिंट दूं क्या? वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया हैव डैश, वही आंसर है इसका। वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया हैव डैश, अब तो सही आंसर दे दो बच्चे। यस वेरी गुड शाबाश शाबाश, काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया। इट इज मेसोसोम इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या करता है, मेजरली रेस्पिरेशन का काम करता है। यस वेरी वेरी गुड। लेट्स सी भाई कितने लोगों को सही आंसर आया है, कितने लोगों को? आपको आता था आंसर ही थी, शाबाश वेरी गुड। कोई नई एंट्री हुई है क्या? यस मानसी जी आ गए आप, वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। हाँ सुनाओ ना दिव्या, सुनाओ बेटा। नेक्स्ट मेंटी कब है? नेक्स्ट मेंटी 8 बजे वाले सेशन में रखेंगे बेटा, प्रोबेबली बाय टुमारो वी विल ट्राई, आई गेस टुमारो और आफ्टर टुमारो, दैट इज ऑन मंडे, इधर टुमारो या मंडे को रखेंगे पक्का। ठीक है, वेरी इजी था ना, वेरी इजी था, फिर गलती क्यों किया? शाबाश गाइस, वेरी गुड, अच्छा खेल रहे हो भाई तुम लोग। बस थोड़े से क्वेश्चन और, 27th क्वेश्चन, अभी 3 क्वेश्चन और बचा है हमारे पास, जल्दी से देख लो फटाफट से। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कम ऑन यार ये गलती मत करना बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है, अमीबा समझाया है मैंने तुमको, फाइन तो प्लीज गलती मत करना, और न्यूक्लियोलस तो अभी बताया है इसमें, तो प्लीज गलती मत करना प्लीज। ओके
बस इतने से लोगों का आंसर आ रहा है। हाँ ओके फेयर इनफ गुड। भाई कुणाल जी आप यहाँ पर आंसर दीजिए ना menti.com पे, तो मजा आएगा आपको भी और मुझे भी। टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप। भाई न्यूक्लियोलस, शाबाश बेटा, वेरी गुड। न्यूक्लियोलस आर आ रहे नहीं, एलियोप्लास्ट क्या करेगा बेटा? एलियोप्लास्ट क्या करता है? ऑयल एंड फैट का स्टोरेज करेगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। फाइन, तो फिर भी गलती कर दिया बहुत सारे लोगों ने, तो ओके चले बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भाई किन लोगों को समझ में आया सही आंसर। लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड क्या बोल रहे हो तुम? लीडर बोर्ड पूछा है कि कुछ नई एंट्री हुई है क्या? फाइन मैम, ओके मैम, यस चलो, कोई नई एंट्री हुई है क्या? ना जी आप तो पहले भी थे हमारे अच्छे बच्चे। यस गाइस ओके, देवेश देखो बेटा कहाँ थे और थर्ड पोजीशन पे पहुंच गए हो, शाबाश, वेरी गुड यार, आई एम वेरी हैप्पी यार, वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा 28th क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। 28th क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन, जल्दी से बताओ क्या बोल रहे हो तुम। 28th क्वेश्चन फटाफट से देख लो क्या है। फोकस फोकस गाइस, दो सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, यूकैरियोटिक पूछा है, भगवान के लिए और अपनी मैम के लिए इस आंसर को गलत मत करना, बहुत ही दिल से रिक्वेस्ट है आप लोगों से। यही पर नहीं मानोगे, यही आंसर दोगे, ओके यही आंसर दोगे, नहीं मानोगे तुम। भाई पांडे जी तो रात को 8 बजे मिलते हैं फिर बेटा, आज की क्लास में फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। फाइन, थोड़ा हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा बाकी है, तो थोड़ा सा ज्वाइन कर लीजिएगा आप। फाइन, एंसर पूरा मैं करवा दूंगी, ठीक है? ओके ओके यस भाई संतोष जी, सही आंसर दे तो रहे हैं आप, बट यहाँ क्यों दे रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं दे रहे, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। फाइन, सीसीटीवी, ओके सीसीटीवी आंसर बिल्कुल सही है बेटा, 60S and 40, यस एस एस वेट्सबर्ग यूनिट, लेट्स सी द लीडर बोर्ड। ये बात कौन समझ पाया बेटा, फैक्चुअल चीज था, कम ऑन। और अगर प्रोकैरियोटिक होता तो 70S होता, 70S होता तो क्या होता भाई, 70S होता तो हो जाता 50 and 30, सिंपल, ठीक है? कोई नई चीज आई है क्या, कोई नई चीज आई है क्या बताने लायक? कुछ भी नया नहीं आया। ऑल राइट यार, लेट्स सी द लास्ट सेकंड क्वेश्चन। भाई मजेदार लग रहा है अभी, मुझे ऐसा लग रहा है हुई विन द रेस। भाई जगदीश जी आप ही जीतने वाले हैं क्या? अभी लास्ट सेकंड, दो क्वेश्चन बाकी है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्स रीइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग एम फेज ऑफ सेल साइकिल, बेटा बहुत ध्यान से आंसर देना है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्स, मतलब पहले होना, रीइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग एम फेज ऑफ द सेल साइकिल। फाइन, थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा सोच लो कि क्या हो सकता है। रीइंटीग्रेशन, फाइन, ऑफकोर्स ऑफकोर्स भाई पांडे जी बिल्कुल ज्वाइन करिए आप, एंड आई विल मेक श्योर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों आपके, फॉर श्योर होंगे बिल्कुल। फाइन ओके, दिस इज, यहाँ बेटा टफ नहीं था, थोड़ा सा ट्विस्टेड था। फाइन, अरे भाई डी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा ना बेटा, किसकी बात कर रहे हैं ये, टीलोफेस की बात कर रहे हैं कि नहीं? टीलोफेस की बात कर रहे हैं ना, तो कहां पर किसी ने क्लीवेज भी करवा दिया भाई, क्लीवेज कैसे करवा दिया बेटा, साइटोकाइनेसिस थोड़ी हो जाएगा। री इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप से पहले क्या होता है बेटा, लिसन 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 लिसन, जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म होगा उससे पहले क्या होगा, उससे पहले साइटोकाइनेसिस, मतलब ये साइटोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं ना हम, ठीक है? तो इससे पहले क्या हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस ही होता है ना बेटा, तो कैरियोकाइनेसिस होगा तब साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे होगा, जब न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म होगा तब दो साइटोप्लाज्म ऐसे डिवाइड होंगे, तो उससे पहले कैरियोकाइनेसिस मतलब आपका जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड हो जाएगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमेटिन में। किसी ने डुप्लीकेशन करवा दिया, बिल्कुल बहुत अच्छा किया जो गलत आंसर दिया, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, फ्रेगमोप्लास्ट, सबने साइटोकाइनेसिस करवाया पता नहीं क्यों। चलो देखते हैं लास्ट लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन का लीडर बोर्ड क्या बोल रहा है। भाई कोई नई एंट्री हुई है क्या? ओहो जगदीश, इसलिए बोलता है बेटा लास्ट तक पता नहीं चलता है, ये जो लास्ट वाला गेम होता है ना ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग होता है, ये ट्विस्ट कर देता है। फाइन ओके बेटा पांडे जी, आप एक काम करिए, बस क्रेडर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? यस, तो भाई कहाँ पहुंच गए जगदीश जी, अभी भी आप फर्स्ट पोजिशन पे है। यस सुजीत, नाजिया, देवेश, आलू जी, नीट, सेबेस्टियन, मानसी, डॉक्टर दर्ग एंड हर्ष। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन गाइस, दिस वुड बी द डिसाइडिंग क्वेश्चन, हु विल बी द विनर फॉर टुडेज मेंटी सेशन। लेट्स सी कौन कौन जीतेगा। आंसर पास है गाइस,
Yes, Divya, that's what I was thinking. Bhai, refer the image below and mark the correct option. बेटा ध्यान से देख लो, क्या ए ये बता रहा है? आपको ये बताना है दैट ए बी सी डी इनमें से क्या करेक्ट होगा, जो सही चीज बता रहा है। ए बी सी डी में से क्या सही होगा, जल्दी से बता दो बिना देर किए। अरे सीधा रुक जाओ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ अभी, वेट वेट वेट। यस गाइस, स्टैंड्स अप एंड द करेक्ट आंसर इज, भाई कैसे ही गलती कर दिया बहुत सारे लोगों ने, चलो फिर भी यू प्लेड वेल, फाइन यू प्लेड वेल। यस, फेज बी वुड बी कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल डुप्लीकेशन, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। फाइन, ओके, लेट्स सी भाई, लेट्स सी कितने लोगों को समझ में आया। काफी सारे लोगों ने इसका आंसर नहीं भी दिया है। फाइन, थोड़ा सा बेटा देखिए, एंड के लिए थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन तो बनता है, बीच में इतने सारे इजी क्वेश्चन है तो इसके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट तो बनता है ना। फाइन, ओहो जगदीश, इज इट स्टिल यू वॉन्ट इट, स्टिल यू आर द विनर जगदीश, वेरी वेरी गुड, शाबाश जगदीश जी, शाबाश जगदीश, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। यस इशफाक अहमद, अब आ रहे हैं आप। हाँ यस गाइस, fair enough, played very very good, you were actually excellent guys. Yes भाई देवेश जी काफी अच्छा खेले आप भी, मानसी ठाकुर नीट, आलू जी हमारे स्ट्रॉबेरी वाले बंदे कहाँ थे, सेबेस्टियन नाजिया, यस गाइस आलू वेरी गुड, डॉक्टर दर्क शाबाश बेटा, वेरी वेरी गुड, यू प्लेड बहुत अच्छा खेले आप। बस इतना करना है भाई, जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ क्वेश्चंस जल्दी से बन गए हो, मजा आया हो तो लाइक कर दीजिए सेशन को, एंड सेकेंडली सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि भाई कहाँ है, कौन मेंटी हो रहा है नहीं हो रहा है, सो इफ यू आर सब्सक्राइबिंग द क्रिएटिव चैनल यू विल बी गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन ओवर देयर। फाइन, सो बिल्कुल डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी एट 8 PM टुडे, विल बी डीलिंग विद फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आधा पार्ट हम कल कर चुके हैं बेटा, आधा पार्ट आज हम करेंगे, डार्क फेज आज पढ़ेंगे एंड फिर कल करेंगे इसका मेंटी, सो डोंट वेस्ट टाइम एंड ज्वाइन करना है 8 बजे शार्प, कहाँ पर, ग्रेट अप नीड चैनल पर, बिना देर किए ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए बोलती हूँ मैं बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, मजा आ गया ना मैम, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, देखिए ना देवेश, देवेश यू प्लेड वेल यार, जैसे देवेश ने ट्राई किया ना बेटा, धीरे 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 एकदम मुकाम तक पहुंचना, वैसे ही हम भी कर लेंगे। फाइन, सो डोंट वरी गाइस, डोंट वरी, विल बी प्रैक्टिसिंग एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मिलते हैं 8 बजे शार्प, बिना देर किए पहुंच जाना, ठीक है, भी बोलना नहीं कि मैम हमको लेट हो गया था। फाइन, ओके बच्चा लोग, बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड कंग्रेचुलेशन गाइस, कंग्रेचुलेशन बेटा।